हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ और बातें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्कली मेटल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में कुछ जानकारियां। मुख्यतः हम इस वीडियो में एल्कलीन अर्थ मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। याद कर लेते हैं कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है उसका सबसे लेफ्ट साइड बाएं हाथ का जो हिस्सा है वो एस ब्लॉक कहलाता है। हम एस ब्लॉक को ही पढ़ रहे हैं, उसमें जो ग्रुप 1A है वो एल्कली मेटल कहलाता है और ग्रुप 2A जो है वो एल्कलीन अर्थ मेटल्स के नाम से पुकारा जाता है। ग्रुप 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम है और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने देखा था कि एल्कलीन अर्थ मेटल्स को नाम एल्कलीन अर्थ इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्षारीय हैं, एल्कलीन हैं और अर्थ के सरफेस, अर्थ के क्रस्ट या पृथ्वी के सतह में बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एल्कलीन अर्थ मेटल्स पड़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो भौतिक गुण जो है उसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि इनकी यहाँ पिक्चर दिख रही है और सबके सब ये शाइनी या चमकदार हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाहर NS2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ N की जो वैल्यू है 2 से लेके 7 तक होती है, यानी जो बाह्यतम कोश है उसके जस्ट अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसमें, यानी जो इसके अंदर वाला जो शेल होगा उसका वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N-1 होगा। N-1 S2 और N-1 P6, ये 2 और 6 मिलाकर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके इनर शेल में और बेरिलियम के अलावा 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके इनर शेल में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 है और इसके जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम से मिलता है या हीलियम जैसा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर वाले कोश में होता है, बाह्यतम कोश में NS2 या 2S2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही बेरिलियम से हम रेडियम की ओर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें एक एक शेल जुड़ता चला जा रहा है। बेरिलियम में 2s2 है और उसके बाद 3s2, फिर 4s2, एक एक शेल बढ़ता चला जा रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है और नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है। बाहर वाले शेल में 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बेरिलियम के लिए 2s, उसके बाद मैग्नीशियम के लिए 3s इत्यादि आप यहाँ देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अगर उसको खोल कर दिखाएं तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है और जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसीलिए 1s2 की जगह यहाँ पर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दिखाया गया है और बाह्यतम कक्ष में है 2s2। इसी तरह से मैग्नीशियम का जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की तरह है और इसको ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको यहाँ पर Ne के द्वारा दिखाया गया है, बाह्यतम कोश है 3s2। इसी प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके स्क्रीन पे हैं। रेडियम और उसके सभी आइसोटोप रेडियो एक्टिव हैं, जैसा कि आपको पता है कि रेडियम के जो आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और इसमें से सबसे लंबी लाइफ टाइम वाला जो आइसोटोप है वो रेडियम 226 का है जिसका हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स का होता है। जो ये रेडियम का आइसोटोप है ये है यूरेनियम 238 के नेचुरल डिके, प्राकृतिक डिके के द्वारा प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं या पढ़ते हैं जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो भौतिक गुण है उनकी तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। फिजिकल स्टेट सबसे पहला पॉइंट है। सभी अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो हैं वो
सिल्वरी वाइट यानी चांदी की तरह चमकदार सफेद मेटल्स होते हैं जब उनको हम फ्रेश काटते हैं। ये बात जो है वो एल्कली मेटल्स में भी थी, लेकिन एल्कली मेटल्स की तुलना में ये थोड़े सख्त या हार्ड होते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स की तुलना में एल्कलीन अर्थ मेटल्स में हार्ड मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा प्रबल होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए ये जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो एल्कली मेटल की तुलना में ज़्यादा हार्ड हैं। ये जो हार्डनेस है वह डाउन द ग्रुप, ग्रुप में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो वह हार्डनेस घटती चली जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने एल्कली मेटल्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाता है, और हमें मालूम है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका साइज अपने पीरियड में पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है। ये जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं, और हवा में खुला छोड़ देने पर इनकी जो चमक होती है वह ऑक्सीडेशन के कारण धूमिल पड़ जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। जैसा कि हमने एल्कली मेटल्स में पढ़ा था और हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा है, बेरिलियम से जब हम रेडियम तक जाते हैं एक एक शेल एक एक कक्षक जुड़ता चला जाता है, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 इस तरह से कक्षक ऊपर से नीचे की ओर वो बढ़ रहे हैं, और जिससे जैसे जैसे हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कक्षक यानी 2 से लेकर 3, 3 से 4 जैसे हाई नंबर होता जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वैसे वैसे साइज बढ़ता जाता है, ये आपको पता है। एल्कलीन अर्थ मेटल्स का जो एल्कली अर्थ मेटल की तुलना में इनका साइज छोटा होता है, क्योंकि एल्कली मेटल्स में जिस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है एल्कलीन अर्थ मेटल में उसी कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी जो न्यूक्लियस का चार्ज हाई हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसी कक्षक में एक और आके जुड़े हैं जिसमें एल्कली मेटल्स में जुड़े थे उसी में एक और इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहे हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स में, इसीलिए नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है, और आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक में बढ़ते ही साइज संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइज, इसीलिए एल्कलीन अर्थ मेटल का छोटा है उससे उसी पीरियड में जो एल्कली मेटल है उसकी तुलना में। एटॉमिक साइज जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं बढ़ता चला जाता है, बड़ी सिंपल बात है क्योंकि हर बार बेरिलियम से जब हम मैग्नीशियम में आते हैं तो एक अक्षक जुड़ा, यहाँ 2s2 था, यहाँ 3s2, फिर यहाँ 4s2, इस तरह से एक एक अक्षक जुड़ता चला जा रहा है और इससे साइज उसका बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो इंक्रीज है साइज में वो इफेक्टिव इज मोर इफेक्टिव देन इंक्रीज्ड न्यूक्लियस साइज, यानी नाभिक का जो चार्ज बढ़ रहा है उसकी तुलना में एक इलेक्ट्रॉनिक शेल जुड़ जाने से साइज उस तुलना में ज्यादा है, बढ़ जाती है, इसलिए टोटल साइज जो है ऊपर से नीचे तक ग्रुप में बढ़ता जाता है। उसी तरह से जो आयन का साइज है ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो साइज आयन का बढ़ता जाता है। यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए था, एन लगता था लगना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। साइज ऑफ आयन्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जा रहे हैं अगर ग्रुप से हम ऊपर से बेरिलियम से रेडियम तक तो साइज आयन के बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई की तुलना में आयनिक रेडियाई का जो मान है वो कम है, लेकिन बेरिलियम का जो साइज है उसके बाद मैग्नीशियम का उससे ज्यादा, फिर ज्यादा और फिर ज्यादा, यानी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता चला जाता है, जैसे कि आयनिक रेडियाई में भी सेम चीज हम देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी या घनत्व। ये जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं एल्कली मेटल की तुलना में ज्यादा इनका घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि एल्कलीन अर्थ मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और एल्कली मेटल्स की तुलना में एल्कलीन अर्थ मेटल्स का साइज के एटम का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस में चार्ज एल्कलीन अर्थ मेटल में ज्यादा होता है इसीलिए साइज छोटा होता है, और इसके क्रिस्टल्स जो है लैटिस में ज्यादा करीबी से अच्छी तरह से
पैक्ड होते हैं और क्रिस्टल एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, यही कारण है इनका घनत्व एल्कली मेटल की तुलना में ज्यादा है। जो डेंसिटी है एल्कलीन अर्थ मेटल की, पहले कैल्शियम तक आप देख सकते हैं, देखिए डेंसिटी 1.85, 1.74, 1.05, यहाँ तक तो ये घट रही है और उसके बाद स्ट्रॉन्शियम ऑनवर्ड्स ये डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिलियम से कैल्शियम तक साइज तो बेरिलियम से रेडियम तक ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है साइज के साथ साथ यहाँ लूज पैकिंग हो जाती है, पैकिंग अच्छी नहीं है बेरिलियम से कैल्शियम तक आते हुए, लेकिन उसके बाद जो है स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम के साथ यहाँ पर क्रिस्टल की पैकिंग अच्छी होती है, ज्यादा बेहतर होती है, इसीलिए इनका घनत्व भी ज्यादा होता है कैल्शियम से अगर हम रेडियम तक आते हैं तो पहले यहाँ डेंसिटी डिक्रीज होगी और फिर यहाँ पर इंक्रीज होगी, जैसे कि इस डेटा से आप देख रहे हैं। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एल्कलीन अर्थ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनसे उसी पीरियड उनके पीरियड में करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स से हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट एल्कलीन अर्थ मेटल का, क्योंकि एल्कलीन अर्थ मेटल का साइज जो है एल्कली मेटल से छोटा होता है, इनके जो मेटेलिक बॉन्ड होता है एल्कलीन अर्थ मेटल का स्ट्रॉन्ग होता है और क्रिस्टल में पैकिंग ज्यादा होती है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इसकी वजह से मेल्टिंग में और बॉइलिंग में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। आपको मालूम है जब हम ठोस को मेल्ट करते हैं या पिघलाते हैं तो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, फिर जब हम उसको गैसीय अवस्था में लेते हैं तो एटम्स के बीच की जो दूरी है वो और बढ़ जाती है। इसके लिए ठोस में जो एटम्स हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ना पड़ता है, और जब उस आकर्षण बल को हम तोड़ते हैं और दूरी बढ़ जाती है एटम्स में तो पहले मेटल पिघलता है और फिर और ज्यादा अगर हीट देते हैं तो वो बॉयल होकर गैसीय अवस्था में जाता है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से एल्कलीन अर्थ मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उन्हीं के पीरियड में जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी तुलना में ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है एल्कलीन अर्थ मेटल का उसका कोई निश्चित क्रम यहाँ नहीं होता है, जैसा कि हमने एल्कली मेटल में देखा था उसकी तुलना में यहाँ कोई खास ट्रेंड या कोई खास घटना या बढ़ना ऐसा कोई क्रम यहाँ पर नहीं दिख सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट है 1560, उसके बाद ये घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया और फिर घट गया, कोई निश्चित ट्रेंड नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर हाई है, देन लो है, फिर हाई है, फिर लो है, और इस तरह से कोई खास ट्रेंड इसमें या कोई खास गिरावट या बढ़ोतरी इसमें यहाँ पर नहीं नजर आती। नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इसमें आप देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है आयनीकरण ऊर्जा, जैसे ही हम ग्रुप में नीचे जाते हैं बेरिलियम से रेडियम की ओर तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसका मान घटता जाता है, क्योंकि साइज बेरिलियम का छोटा है और यहाँ पर रेडियम का बड़ा है। जैसे जैसे एक एक शेल कक्षक जुड़ता चला जाता है बाह्यतम हिस्से में, वैसे वैसे साइज बड़ा होता है, और जैसे ही साइज बड़ा होता है नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के साथ साथ उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। इसी वजह से साइज के बढ़ने के साथ साथ बेरिलियम से रेडियम तक ऊपर से नीचे तक उस ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटता जाता है। एल्कलीन अर्थ मेटल का साइज जो है पीरियड में अपने पीरियड में या बड़ा होता है, और जो अगर ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो साइज है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में एल्कलीन अर्थ मेटल्स का जो एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू पी ब्लॉक से कम होती है। हमने अभी आपको बताया कि जैसे ही ग्रुप से ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है एटॉमिक साइज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का अर्थ है कि जो नाभिक है वह बाह्यतम कोश में उतनी कोश के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी प्रबलता से आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है वह
आकर्षण बल को घटा देते हैं, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट। जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है यानी एम प्लस आयन से एम टू प्लस आयन में अगर परिवर्तित करते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल को, उसके लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जब M प्लस बनाएंगे यानी बेरिलियम का प्लस वन आयन बनाएंगे तो इतनी एनर्जी चाहिए, और उसी आयन से अगर हम बेरिलियम का टू प्लस आयन बनाएंगे तो देखिए आप एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसी तरह से मैग्नीशियम का प्लस वन आयन और मैग्नीशियम के प्लस टू आयन में ऊर्जा में अंतर है, यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो है वैल्यू वह ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लस वन से हमें एक और प्लस चार्ज से एक और इलेक्ट्रॉन जब हमें निकालना पड़ता है तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे ही प्लस चार्ज होता है तो जो नाभिक है वह इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच कर रखता है आकर्षण बल से, और उस आकर्षण बल से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये स्टेबल एम टू प्लस आयन बनाता है, हालांकि ऊर्जा ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इस ऊर्जा का मान जो एल्कली मेटल्स है उसके सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी के मान से काफी काफी कम है, क्योंकि यहाँ जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो M2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है। आपने इससे पहले एल्कली अर्थ मेटल को पढ़ा है, इससे पहले वाले वीडियोस में आप बहुत आसानी से इनके आयनाइजेशन एनर्जी का जो कंपैरिजन करके तुलनात्मक अध्ययन करके देख सकते हैं, और आप देख सकेंगे कि एल्कलीन अर्थ मेटल में 2 प्लस बनते ही नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि एल्कली मेटल्स में ये केस नोबल गैस 2 प्लस आयन का नहीं बनता, इसलिए उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा M plus आयन एल्कली मेटल का बनता है, लेकिन एल्कली मेटल का M2 प्लस आयन नहीं बनता। M2 प्लस आयन केवल एल्कलीन अर्थ मेटल्स का ही बनता है S ब्लॉक में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे ग्रुप में वो बढ़ती है, साथ ही साथ मेटालिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ती है, और रिएक्टिविटी भी ऊपर से नीचे बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कितनी आसानी से वह एटम इलेक्ट्रॉन्स को खो सकता है या किसी और को दे सकता है। देखिए जैसे जैसे साइज बड़ा होता है वैसे वैसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच का आकर्षण बल घटता जाता है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ साइज छोटा है, नाभिक से के पास है इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन स्थित है नाभिक के पास है, यहाँ बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से दूर है, नाभिक के आकर्षण बल से इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, और इसका इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को इस केस में जब साइज बड़ा है उसको निकालना आसान है। इसीलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना यानी इलेक्ट्रॉन्स को खोने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे बढ़ रही है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है बेरिलियम से बेरियम तक। मेटालिक कैरेक्टर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से संबंधित होती है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रकृति बढ़ती है, वैसे वैसे उसका धात्विक गुण धात्विक प्रकृति भी बढ़ती है और अभिक्रियाशीलता भी बढ़ती है। एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो हैं वो एल्कली मेटल की तुलना में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा एल्कलीन अर्थ मेटल की साइज जो होती है वो इनकी एल्कली मेटल की तुलना में छोटी होती है, तो नाभिक आकर्षण बल एल्कलीन अर्थ मेटल में ज़्यादा होता है। आपको मालूम है कि उसी कक्षक में एक पीरियड में उसी कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल पर होता है, उसी कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्कलीन अर्थ मेटल में होता है, जैसे 2s1 और 2s2। 2s1 एल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होगा और 2s2 एल्कलीन अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये एक उदाहरण है। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो हैं वो उनके जो ऑक्साइड्स बेसिक प्रॉपर्टी होती है और उनका जनरल फॉर्मूला RO होता है, उसका अर्थ ये है कि वो आसानी से दो इलेक्ट्रॉन्स खोकर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, और ये जो M2 प्लस में सेकेंड आयनाइजेशन
जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, जैसा कि हमने से पहले वाले स्लाइड्स में भी देखा था आपको। मैं वहां तक पहुंचते हैं हम। ये देखिए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट वाले से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के ज्यादा होने के बावजूद भी एम टू प्लस बनता है, क्योंकि इसके दो तीन कारण हैं। आइए देख लेते हैं कौन से कारण है। फर्स्ट पहला कारण है डाइवेलेंट आयंस हैव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि जो एम टू प्लस आयन बनता है उसका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कोश के होता है आसानी से। दूसरी बात ये है कि एम टू प्लस का जो लैटिस एनर्जी है, क्रिस्टल लैटिस का जो ऊर्जा है, उसकी एनर्जी एम प्लस आयन के क्रिस्टल लैटिस की तुलना में हाई होती है, इसीलिए हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल के बावजूद लैटिस एनर्जी के हाई होने पर एम टू प्लस एनर्जी आसानी से एम टू प्लस आयन आसानी से बनता है। इसके अलावा जब एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में एम टू प्लस आयन होता है तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी जो है काफी हाई होती है, जो कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेट कर देती है, उसको कैंसल आउट कर देती है। और इस वजह से ये तीन कारण है जिसकी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से या सेकेंड आयन ऊर्जा की वैल्यू प्रथम आयन ऊर्जा से हाई होने के बावजूद भी इन तीन कारणों से एम टू प्लस आयन अल्कलीन अर्थ मेटल्स बनाता है। बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पर आई आयनाइजेशन एनर्जी का जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आयोनाइजेशन आई ओ यहाँ पर होना चाहिए था। तो बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनीकरण ऊर्जा काफी हाई है अपने ग्रुप ने, और इट हैज मिनिमम टेंडेंसी टू फॉर्म बीई टू प्लस आयन, इसकी जो प्रवृत्ति बीई टू प्लस आयन बनाने की कम है, और इसी वजह से बेरिलियम जो है वह अधिकतर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है ना कि आयनिक। हाइड्रेशन एनर्जी आयंस ऑफ आयंस की बात करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी है बेरिलियम की सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेरिलियम टू प्लस आयन का जो साइज है वो सबसे छोटा है। हमने इससे पहले एल्कली मेटल्स में भी पढ़ा था कि जो जितना छोटा साइज होगा आयन का उसकी हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होगी, हाइड्रेशन ऊर्जा भी ज्यादा निकलेगी। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है हाइड्रेशन उसका कम, टेंडेंसी जो है हाइड्रेशन की वो कम होती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी उसी तुलना में कम निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेरिलियम से बेरियम तक ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में आते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी का मान घटता जाता है, क्योंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है और अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन जो है वह बेरिलियम से बेरियम तक आके वो डिक्रीज हो रही है, और डिग्री एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, ये दिस इज रॉन्ग, ये डिक्रीज होनी चाहिए, और आप देख सकते हैं घट रही है ये वैल्यू। हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज इंक्रीज की जगह यहाँ डिक्रीज होनी चाहिए, मैं इसको ये डिक्रीज है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, जैसा कि आप यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनसे भी आप देख सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी एल्कलीन अर्थ मेटल की एम टू जो एल्कलीन अर्थ मेटल का जो एम टू प्लस आयन बनता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी एम प्लस आयन जो एल्कली मेटल का बनता है उससे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्कलीन अर्थ मेटल के जो आयन बनते हैं उसका साइज एल्कली मेटल के आयन के साइज से छोटा है। जैसे जैसा जैसा साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू घटती जाती है, हाइड्रेशन की डिग्री भी घटती जाती है। एल्कली मेटल्स का साइज बड़ा है,
एल्कलीन अर्थ मेटल से, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और एल्कलीन अर्थ मेटल के आयंस की ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्कलीन अर्थ मेटल के बाह्यतम कोश में, कक्षक में, दो लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। लूज इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन पर जो नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम है, तो ये लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आराम से क्रिस्टल लैटिस में मूव कर सकते हैं या भ्रमण कर सकते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ताप और विद्युत के कंडक्शन के लिए, चालन के लिए, चालकता के लिए लूज इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो एल्कलीन अर्थ मेटल जो है, इन दो लूज इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ताप और बिजली के अच्छे चालक या सुचालक हैं। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखिए कलर के लिए बाह्यतम कोश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, जबकि एल्कलीन अर्थ मेटल में एक तो NS2 यहाँ पर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये दो आयंस, दो इलेक्ट्रॉन्स खोकर ये M2+ आयन बनाता है, तो भी जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें भी सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वजह है कि एल्कलीन अर्थ मेटल के जो आयंस हैं और एटम्स हैं कलरलेस और डायमैग्नेटिक प्रकृति के होते हैं। फ्लेम कलरेशन, एल्कलीन मेटल्स जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स एल्कली मेटल की तरह ही उनके आयंस और उनके सॉल्ट फ्लेम यानी जो लौ है उसको एक अभिलाक्षणिक रंग देता है। अब जो सॉल्ट्स हैं उनमें जो मेटल के आयंस हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल के आयंस हैं, स्पेशली खास तौर से क्लोराइड जो कि आसानी से वाष्पशील है, तो उस हालत में जो आयंस हैं लॉ से, ज्वाला की लॉ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं, और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, अपने स्थायी स्टेट में आते हैं, तो अवशोषित की हुई ऊर्जा को वो इमिट कर देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, और वह जो एनर्जी उत्सर्जित होती है वह दृश्य क्षेत्र विजिबल रेंज में एनर्जी इमिट होती है, जिससे कि हमें वो कलर दिखता है, जिस एनर्जी का वेवलेंथ, जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित होती है वो कलर हमको दिखता है क्योंकि वो विजिबल या दृश्य क्षेत्र में होता है। कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड, बेरियम का एप्पल ग्रीन, तो ये जो तीन है हम लैब में भी इन रंग के द्वारा इन सॉल्ट्स की पहचान करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर यानी इलेक्ट्रॉन देकर और खुद ऑक्सीडाइज हो जाना, उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि बाह्यतम कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खोकर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। एल्कलीन मेटल्स जो है वो एल्कली मेटल की तुलना में एल्कलीन अर्थ मेटल्स कमजोर या दुर्बल अपचायक हैं, क्योंकि एल्कली मेटल का साइज बड़ा है, इसको आयन में परिवर्तित करने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत है, इनको आयन में परिवर्तित करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो इनका साइज बड़ा है इसलिए ये आसानी से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को देकर आयन में परिवर्तित होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी और को देते हैं तो उसको अपचयित कर देते हैं। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये है कि हम जो एटम है किसी और को रिड्यूस या अपचयित कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को दे दे और खुद ऑक्सीकृत हो जाए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। एल्कलीन मेटल जो है वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है एल्कली मेटल की तुलना में, ऐसा इसलिए क्योंकि एल्कलीन अर्थ मेटल्स का हीट ऑफ एटमाइजेशन यानी उसको एटम्स में परिवर्तित करने में, और आयनाइजेशन यानी उसको आयनन जो ऊर्जा है इसकी हाई होती है किसकी तुलना में, एल्कली मेटल की तुलना में, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जब आते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, जो कि हमने पहले भी देखा था, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, और इसी तरह से जो रिड्यूसिंग उनको अपचयित करने की जो प्रवृत्ति है, आयनाइजेशन की एनर्जी जैसे ही घट जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है यानी दूसरों को अपचयित करना आसान है, तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी दूसरों को अपचयित करने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे ग्रुप में बढ़ती जाती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान जो है उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा यहाँ है और उससे ज्यादा और इंक्रीज हो रहा है। ये ग्रुप के ऊपर है, ये ग्रुप के नीचे है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, यानी ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऑक्सीकृत जब कोई होता है तो दूसरे को अपचयित करता है, वो ऑक्सीकृत होता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है यानी किसी और को वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर से नीचे बढ़ रही है, साइज इसका बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, इसीलिए ये इसका रिड्यूसिंग प्रवृत्ति, अपचयित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ऊपर से नीचे तक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट जो हैं, जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स के बारे में हमें पढ़ना था। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।